Which is something which is very amazing, because I mean it's a very recent product in Indian market, and they have overtaken a lot many mobile companies, and Vivo has actually made a strong footprint all over the country, and I hope in coming years they'll be available in each and every nook and corner of the country. Their product, their approach of faster than faster is really going to be very popular amongst the youth of the country, and this is the first Chinese company which has actually invested in cricket. Cricket is like a religion in this country, as you all know, and this is the first company which has really helped this sports in India, and they have come with IPL. IPL, is a very popular brand, so is Vivo. So I think the relationship is going to be win-win for both BCCI as well as Vivo. I hope, in future also, you will keep on supporting us, and I solicit your cooperation as far as the cricket activities in the country is concerned. I just met their CEO, has come down from China, and he was telling me that we believe in a relationship of 100 years. I said, I just pray the God that IPL, IPL continues for 100 years, and so is Vivo. So I hope, and I feel very strongly that with our association with Vivo, we are going to really give a good edition IPL 9 this year, and you all will be satisfied. I promised you long back that IPL 9 is going to be better than previous editions of IPL. So with Vivo, our major partner, our main partner, I think this year IPL will be a big success. Thank you. Thanks. Trophy was taken to 4 cities. Which are the cities? Mumbai, Hyderabad, Delhi and Kolkata. And actually, and Pune. It's a gift from the fans, and we thank them. And because this year the IPL is, Vivo IPL is going to be for the fans. We have given a theme that Vivo IPL this year is dedicated to the fans of the cricket. So I think this trophy reflects that slogan, and I thank you once again for this. आने वाला है, रास्ते में है, बांद्रा में, बांद्रा पहुंच गया है। राजीव जी इधर, अभी संयुक्त राष्ट्र में चीन का जो जब रवैया रहा है भारत ने किसी पे प्रस्ताव के खिलाफ, उसे लेकर आप बीसीसीआई और वीवीओ किस तरह से देखते हैं, चूंकि मार्केट में सोशल मीडिया पे चीनी सामान को लेकर जिस तरह से बहिष्कार की बात आ रही है, उसमें बीसीसीआई कहाँ खड़ा देखता? देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपनी जगह होते हैं, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो कोई गवर्नमेंट लेती है वो अपने हिसाब से लेती है। मुझे नहीं लगता कि उसको ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ना चाहिए। चीन के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं, चीन के साथ हमारा व्यापार बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है हमारी सरकार भी, पहले की सरकार भी जिसमें मैं खुद मंत्री था, और ये सरकार भी चीन के साथ रिश्तों को मजबूत कर रही है। पहले प्रधानमंत्री भी राजीव गांधी के बाद लगातार जितने प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पे गए, अभी मोदी जी भी चीन की यात्रा पे गए, वो अपनी जगह। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो भारतीय कूटनीतिज्ञ हैं, भारतीय डिप्लोमेट हैं, वो अपने हिसाब से चीन के साथ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में सरकार को कोई फैसला लेने दीजिए, इसमें हम लोगों को जो स्पोर्ट्स बॉडीज में कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सर, एक सवाल मेरा है, महाराष्ट्र में सूखा बहुत ज़्यादा पड़ा है और लोग बहुत पीड़ित हैं। आपकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र में IPL नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैदानों को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी पानी खर्च होता है। इस पर चेयरमैन होने के नाते सर आपका क्या राय है? साथ ही आज PIL भी दाखिल हुई है हाईकोर्ट में। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी, किसी राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस तरह की कोई मांग नहीं की। किसी इंडिविजुअल ने कोई बात कही तो अपनी जगह, पार्टी की तरफ से इस तरह ऑफिशियल कोई मांग नहीं।
जहाँ तक महाराष्ट्र में सूखे का सवाल है, हम लोग पूरी तरह से महाराष्ट्र के किसानों के साथ हैं। उनकी जितनी मदद हो सकती है वो हम करने को तैयार हैं। अगर उस तरह का सरकार कोई प्रस्ताव लाती महाराष्ट्र सरकार, तो हम BCCI की तरफ से, IPL की तरफ से विशेष रूप से महाराष्ट्र के किसानों के लिए कि उनको जल संकट ना हो, जो कुछ हो उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने खुद अपनी सांसद निधि से ये प्रस्ताव दिया है कि हम कुछ गांव अडॉप्ट करना चाहते हैं, खासतौर से मराठवाड़ा क्षेत्र में, और वहाँ किसानों की मदद करने चाहते हैं। मैं उन भावनाओं के साथ हूँ, लेकिन 2-3 ग्राउंड को के लिए जितना पानी चाहिए, कुछ टैंक पानी चाहिए, उतने टैंकर पानी से अगर पूरे महाराष्ट्र का जल संकट हल हो सकता हो तो ये बात जो है मेरी समझ में नहीं आती है। इसके लिए एक बड़े प्रयास की ज़रूरत है और सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जल का, पानी का भारी संकट है। वो 2-3 ग्राउंड पूना और विदर्भ और यहाँ पे वानखेड़े में अगर कुछ टैंकर पानी जो लगता है उससे अगर वहाँ का जल संकट सॉल्व होता हो तो अलग बात है, मुझे नहीं लगता है। उसके लिए बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को आपस में नहीं जोड़ना चाहिए। वहाँ के किसानों की मदद के लिए जो चीज़ चाहिए हम सब लोग करने को तैयार हैं। यानी मैच की शिफ्टिंग को लेकर कोई फिलहाल BCCI या मैच शिफ्ट करने कोई मतलब नहीं, अब कोर्ट के आर्डर करती हूँ अलग चीज़ है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा जो शेड्यूल अनाउंस हुआ उस शेड्यूल के हिसाब से हम अपने मैच करेंगे। हेलो शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज जो है उसका फाइनल जो है फ्लड लाइट्स का इंस्पेक्शन है, और मुझे लगता है कि 2500 सुपर लक्स लाइट्स में आ चुका, जो रिक्वायर्ड है 2000 सुपर वो आ चुका, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैच होगा, ऐसी उम्मीद है। शुक्ला जी, हम आपकी राय जानना चाहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिकेट एंड बॉलीवुड। देखिए दोनों का अपने आप में महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ख़ासतौर से जो जनता यूथ इन दोनों में गहरी दिलचस्पी ले रही है, और दोनों ग्लोबल एक प्रेजेंस रखते हैं। अगर आप देखिए तो वर्ल्ड वाइड इसकी अपील है, चाहे बॉलीवुड हो और चाहे क्रिकेट का भी रातों दिन बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत फ़ायदे में, और इससे लोगों को न केवल एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिलता बल्कि अच्छा खेल देखने को भी मिलता है। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे, आप सेंटर में हूँ मैं आपके, कि जब से फिक्सिंग के मामले आए थे IPL में, उसके बाद से लेकर के अभी तक लोगों का रुझान थोड़ा कम हो गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी वो लिखते हैं कि अब हमारा मन उठ गया है इस खेल से, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके से इसके लिए आप लोग सचेत हैं? देखिए, जहाँ तक रुझान का सवाल है, मैं तो देखता हूँ लगातार रुझान लोगों का क्रिकेट के प्रति बढ़ रहा है, और हमने जो सर्वे कराया उस हिसाब से 92% लोग, जो पूरे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, 92% लोग क्रिकेट देखते हैं। तो उस हिसाब से रुझान बढ़ रहा। जहाँ तक आपने वो बातें उठाई कि जो कंट्रोवर्सीज आई थी फिक्सिंग को लेके, हमने जितने मजबूत कदम हो सकते हैं BCCI ने उठाए। एक तो उन सारे प्लेयर्स पर बैन लगाया गया, उन पर सख्त कार्रवाई की गई। BCCI विश्व में अकेला ऐसा बोर्ड है जिसने आज तक इस तरह के आरोप लगे खिलाड़ियों के ऊपर से बैन वापस नहीं किया। विश्व के सारे बोर्ड से अपने खिलाड़ियों को माफ़ कर दिया, लेकिन आप अगर पहला 2003-2004 का भी अगर देखें, उन खिलाड़ियों को भी आज तक BCCI ने माफ़ नहीं किया। तो इसमें सख्त कदम उठाते हैं, हम सख्त कदम उठा सकते हैं। इस बार IPL के लिए हमने जो प्रिकॉशंस और लिए हैं, एक तो ICC की एंटी करप्शन यूनिट, उसको भी इस काम पर लगाया है कि ICC की एंटी करप्शन यूनिट पहले की तरह IPL को देखे। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट, वो भी इस पर पूरी तरह उसके साथ लगाएगी, और उसको अब कौन हेड कर रहा है आप लोगों को पता है, मिस्टर नीरज कुमार, जो पहले CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। जब हैंसी क्रोनी वाला एपिसोड आया था तब वही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एज ज्वाइंट डायरेक्टर इन CBI, और इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे जब पिछली बार ये IPL की ये इस तरह के श्रीसंत वगैरह का मामला आया था। तो उनको पूरा अनुभव है, उनको हमने हेड बनाया है, वो डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन यूनिट के, और वो इस पूरे मामलों को देख रहे हैं। इसके अलावा BCCI प्रेसिडेंट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र, ये आपके लिए नई न्यूज है, देवेंद्र फडणवीस को अप्रोच किया है 1 महीने पहले, और वो बात चल रही कि आप हमें मुंबई पुलिस की भी सेवाएं दें। एक गवर्नमेंट एजेंसी मुंबई पुलिस, जिसको अधिकार है कि उसका पूरा जो है एक लेजिटिमेट लीगल अधिकार है कि लोगों के फ़ोन भी टैप कर सकती, सर्वेलेंस भी रख सकती, और उसके साथ ICC की एंटी करप्शन यूनिट
और बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट हेडेड बाई नीरज कुमार, ये तीन लोग मिलकर अगर पूरी तरफ निगाह रखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम इस मामले में सफल हो गए कि ऐसे तत्वों को हम पकड़ सकें। राजू जी, वेस्ट इंडीज़ अभी जब जीती तो उनके कैप्टन ने कहा कि काफ़ी दुखी थे अपने बोर्ड की तरफ से, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ अपने 15 लोगों के साथ ही इस मैच का पूरा लुत्फ उठाऊंगा जो भी मैंने जीता है। आप वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से भी क्या बीसीसीआई बात करेगी एक अच्छा प्रबंधन बनाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है बीसीसीआई? देखिए, उनका इंटरनल मैटर है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स, उनके बीच का इंटरनल मैटर्स, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तीसरे बोर्ड को हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये हमारा ये दायरा नहीं बनता है कि हम उनके उस पर टीका टिप्पणी करें। वेस्ट इंडीज़ बोर्ड का मामला है, वो आपस में बातचीत करें। हमारे लिए तो सिर्फ एक वही प्रश्न था कि जब पिछली बार वेस्ट इंडीज़ का टूर पूरा नहीं हो पाया था, उस मामले में हमने वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से बात करके और वो हमने कोई रास्ता निकाला। और इसलिए हमारा कंसर्न सिर्फ उतना है कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स आएँ, खेलें, हमारे उसमें कोई दिक्कत ना हो टूर्नामेंट में। बाकी जो है उनका क्या आपस में रिश्ता है, क्या उनकी तकलीफें हैं, ये उनके बीच की बात है। राजीव जी, एक दो चीज़ें मैं भी बता लूँ अपनी तरफ से, फिर सवाल पूछिए। एक तो आईपीएल की, वीवो आईपीएल की जो इनॉग्रल सेरेमनी है वो 8 अप्रैल को होने जा रही है, और यहाँ पे डोम जो ये वर्ली में है इसमें होगी, और उसमें 7:30 बजे से वो प्रोग्राम शुरू होगा। और उसमें हम लोग इस बार काफ़ी एलिमेंट्स जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीवीओ आईपीएल ओपनिंग नाइट 8 अप्रैल 7:30 PM एट डोम NSCI। आर्टिस्ट जो बॉलीवुड से हैं वो रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, यो हनी सिंह। और इंटरनेशनल एक्ट जो हमेशा हम रखते हैं, पिछली बार नहीं था, इस बार हम फिर से वापस इंटरनेशनल एक्ट ला रहे हैं। उसमें जो बैंड हम ला रहे हैं अमेरिका से, मेजर लेजर आ रहा है इस बार, जो यहाँ के मुंबई वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, यहाँ के यूथ के लिए ख़ास तौर से। और क्रिस ब्राउन को हम यहाँ पे बुला रहे हैं, दोनों का, ये मेजर लेजर बैंड और क्रिस ब्राउन, दोनों का परफॉर्मेंस वहाँ होगा। तो ये बहुत ही, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग ओपनिंग सेरेमनी एंड आई होप द मुंबईकर्स विल एंजॉय इट। वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, इस बार हम IPL को, जो हमने पहले ही कहा कि इसकी थीम है इज गोइंग टू बी फैन बेस्ड, वी वॉन्ट द इंगेजमेंट ऑफ स्पेक्टेटर्स, उसके लिए हमने एक नया एलिमेंट वीवो IPL में जोड़ा है। और वो ये है कि जैसे ही कोई डिसीजन ग्राउंड अंपायर थर्ड अंपायर को रेफर करेगा, वैसे हम लोगों को जो स्पेक्टेटर्स मैच देखने अंदर जाएंगे उनके हाथ में हम वो कार्ड देंगे, तख्तियाँ देंगे, जिन पे लिखा होगा आउट या नॉट आउट, यस और नो। तो जैसे वो जो थर्ड अंपायर को रेफर करेगा, वैसे ही जो जनता बैठी हुई है, स्पेक्टेटर्स, दर्शक बैठे, वो अपना उठा के दिखाएंगे कि उनकी समझ से आउट है या नॉट आउट है। कैमरा उसको 30 सेकंड्स में कैच कर लेगा और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले आएगा कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, स्पेक्टेटर्स की ओपिनियन क्या है, हैं? और इसके बाद थर्ड अंपायर का जो डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल डिसीजन, बट दिस विल डेफिनेटली इंगेज द स्पेक्टेटर सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड इट विल क्रिएट अनदर यू नो इंटरेस्ट इन द गेम। लोगों को इसमें मजा आएगा कि इन्वॉल्वमेंट होगा। तो एक हम एडिशन ये भी करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। और आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में कि जब भी कोई गेंद टच करती, हाथ टच करता है स्टम्प्स पे तो लाल लाल जलता है ना, इस बार IPL में भी वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस तरह से उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस काम पे लगे हुए हैं। तो एक तो ये स्पेक्टेटर्स की ओपिनियन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी कहीं नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ों, ये सॉफ्टवेयर लगा के हम इसको दिखाने जा रहे हैं कि थर्ड अंपायर का डिसीजन आने के पहले, आने के बाद स्पेक्टेटर्स की क्या ओपिनियन है उस पर, ये हम लोगों को दिखाएंगे। राजीव जी, देर आर 2 बायोपिक्स रिलेटेड टू रिलीज दिस ईयर, वन इज ऑन अजहर एंड द अदर वन ऑन धोनी, विच वन आर यू एक्साइटेड टू वॉच? क्या, अगेन कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर, देर आर 2 बायोपिक्स ऑन क्रिकेटर्स रिलेटेड टू रिलीज, वन ऑन धोनी एंड द अदर वन इज ऑन अजहर, विच वन आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच एंड विच वन आर यू एक्साइटेड अबाउट? You want me to respond in this question? I think you ask better ask Dhoni and Azhar. I mean, as a cricket fan, I would love to watch both, but you know, I mean, it will depend on the product also, how it looks like. Rajiv, see the trailer of Azhar, sir. Have you seen the trailer of Azhar? Have you seen the trailer of Azhar? You know, where Imran is playing Azhar's part, Mohammad Azharuddin's part.
Rajiv who is playing Dhoni? Sushant Singh? Yes, Sushant Rajput Singh. Have you seen the trailer, sir? चलो कैसा बनता है इसके बाद ही बताएंगे. अभी बन तो जाए. बन तो चुका है, आपने देखा है क्या ट्रेलर? अभी मैंने नहीं देखा. राजीव जी, क्या आप एग्री हमारी सहमति रखते हैं कि आईपीएल की वजह से बाहर के खिलाड़ी कंडीशंस का फ़ायदा उठा के हमें काफ़ी लॉस सहना पड़ता है, जैसे वेस्ट इंडीज़ हाल ही में वर्ल्ड कप जीतते कि इंडिया की पोजीशन ख़राब हुई, कंडीशन का फ़ायदा उनको मिलता है, हमारा नुकसान हो रहा है इसमें क्रिकेट का? मुझे, मैं इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं. फिर तो हम क्यों ना बस आपस में ही घर में खेलते रहें, कहीं बाहर जाने की किसी के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं. इस तरह के टूर्नामेंट खासतौर से आईपीएल जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया, आज आप कहीं जाइए हर जगह आईपीएल की बात होती है. इवन इन नॉन प्लेइंग क्रिकेट नेशंस जो हैं वहाँ भी आईपीएल लोग देखते हैं. द टेलीकास्ट इज बीइंग डन इन 182 कंट्रीज ग्लोबली. सो आई मीन आईपीएल हैज रीच्ड टू इट्स पिनाकल. सो आई डोंट थिंक यू नो आई मीन वी शुड बी ड्रिवन बाई दीज काइंड ऑफ लॉजिक्स एंड आर्गूमेंट्स that we should not invite outside players to play in IPL so they learn the tactics and then later on they defeat us. I don't subscribe this. Based on what you said that public will obviously have an opinion on a decision. So for example, if an umpire thinks that it's not out and if the entire public thinks it's out, what would matter more? Umpire's decision will prevail. So that would be the final decision. Yes. आज लोडा कमीशन के रिकमेंडेशंस का डिसीजन आने वाला सुप्रीम कोर्ट, सब तो मैटर अजर्न हो गया है, तो कितना मुश्किल होगा अगर ये बीसीसीआई सारे रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर लेता है, आईपीएल को चलाना क्या मुश्किल होगा उसके बाद में, और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है बोर्ड को? इट्स कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट देयर बी अ कोर्ट डायरेक्टर, देन ओनली आई कैन रिएक्ट ऑन इट. Has the बीसीसीआई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट ऑल द रिकमेंडेशंस? आई टोल्ड यू इट्स हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, व्हाई शुड आई जंप ऑन द कंक्लूजन? All questions have run out? Okay, thank you. Thanks a lot. Once again, I thank Alex, you know, for gifting me the faster than faster phone. So now I'll have to change my attitude also in future. Thank you, Alex, for giving me.